दोस्तों नमस्कार। गर्मी के दिन चल रहा है और गांव में गेहूं के खेत में खूब आग लग रहा है। आप लोग प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, बड़ी ही जोर शोर से यह खबर उभर कर आ रहा है कि गांव से लेकर के और गेहूं के खेत तक खूब आग लगे चल रहा है, खूब आग लग रहा है। जरा सोचिए, बिहार सरकार का नल जल योजना, बिहार सरकार का नल जल योजना जो है प्रत्येक घर में नल लगा हुआ है, लेकिन किसी भी नल से जल नहीं निकल रहा है। अगर प्रत्येक नल से जल निकलता तो क्या लगता है जो गांव में आग लग रहा है, आग पर काबू पाया जाता कि नहीं पाया जाता? आखिर नल से जल क्यों नहीं निकल रहा है? न कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी इस पर संज्ञान ले रहा है, न जाँच कर रहा है। इसका सरासर दोषी है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार। अगर ये दोनों सही रहता तो आज जो है यह स्थिति और परिस्थिति नल जल का नहीं रहता। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने मिलकर नल जल योजना को बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद कर दिया? जब नल जल चल रहा था, भूमिदाता नल जल को चला रहा था, नल जल पर अनुरक्षक की बहाल किया गया, अनुरक्षक नल जल को चला रहा था, तो क्या जरूरी था वार्ड सदस्यों को सौंपने? सम्राट चौधरी ने एक लेटर निकालते हैं कि समानतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे और जमीन किसी और का, नल जल टावर जो है किसी और के जमीन में, और आप पावर दे देते हैं वार्ड सदस्यों को। नतीजा यह होता है कि जमीन वाला जो है नल जल चलाने देता नहीं है, और कहीं कहीं जमीन वाला चलाने भी देता है तो वार्ड सदस्य नल जल चला नहीं पाते हैं। यही कारण है कि नल जल बंद है। जब इस समस्या को लेकर के नीतीश कुमार के पास में रखा गया, जो एक विधायक है मिश्री लाल यादव जी ने, उन्होंने मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में इस समस्या को जब रखा तो मुख्यमंत्री जी दूसरा लेटर निकाल देते हैं 13/1/2023 को कि जो जमींदाता नल जल बिहार सरकार के नाम से जमीन रजिस्ट्री करेगा वही नल जल को चलाएगा। यह दूसरा समस्या नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया। जब पीएचडी विभाग में जितना भी नल जल है, 50% नल जल पीएचडी विभाग में है और वह जमींदाता ही चला रहा है, उस नल जल को जमींदाता ही चला रहा है, उस सभी नल जल शुरू से लेकर आज तक चल रहा है, तो फिर नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी दोनों आदमी मिल करके जो बार बार नियम बदलते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो फिर नल जल को चलवा काहे नहीं रहे? क्यों बंद है नल जल? लोगों के घर में आग लग रहा है, गर्मी के दिन है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, दमकल वाला जो है दूर में है, पहुंच नहीं पा रहा है। तो यह समस्या जो है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी ने खड़ा कर दिया नियम पर नियम ला करके। अगर यह नल जल जो है अगर भूमिदाता चलाते रहता जैसे पीएचडी विभाग में चला रहा है, जैसे चलाते रहता तो क्या होता? मैं आपको बता दूं कि गांव में तो आग दूर की बात है, गांव में जो आग लग रहा है तो दूर की बात है, जबकि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर 10वीं पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जो नल जल है, वार्ड सदस्यों ने तो हद ही पार कर दिया, नल जल में ही आग लगा दिया। जो वार्ड सदस्य नल जल में आग लगा सकता है तो क्या उस उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसे वार्ड सदस्य जो है गांव में लोगों को पानी पिलाएगा, पानी देगा? अगर गांव में आग लगता है और टंकी में पानी 24 घंटा अगर भरा पड़ा हुआ है, बिजली रहे चाहे नहीं रहे, करंट रहे चाहे नहीं रहे, जिस समय बिजली आता है उसी समय अगर दो दो टंकी रखा हुआ है, दोनों टंकी को फुल कर करके और पानी स्टोर करके रख दिया जाए, कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना अगर होता है उस समय अगर पानी को खोल दिया जाए तो क्या लगता है आग पर काबू पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? लेकिन ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए कि जो भी लापरवाह वार्ड सदस्य नल जल को लापरवाही कर रहा है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। उस पर आखिर क्यों नल जल पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसे वार्ड सदस्यों पर जो लापरवाह की तरह कर रहा है या आम जनता के साथ जो है वार्ड सदस्य खिलवाड़ कर रहा है? जबरन किसी के पर्सनल जमीन पर अगर नल जल है, प्राइवेट जमीन पर नल जल है, ऐसे नल जल पर वार्ड सदस्य ने जबरन कब्जा क्यों करके रखे हुए हैं, काहे करके रखे हुए हैं? क्यों नहीं
हैं, जमीन वाले को नलजल चलाने के लिए आज़ादी दिया जाता है। जब कंप्लेन पीएचडी विभाग में जाता है, चाहे ब्लॉक में जाता है, कोई कंप्लेन किसी का सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप जांच करके देख लीजिए, जितना कंप्लेन पीएचडी विभाग में जाता है, जितना कंप्लेन ब्लॉक में जाता है, क्या उसका जांच होता है? कोई जांच नहीं होता है। जिसका नतीजा यह है कि अब जो है कंप्लेन करने वाला जो भी व्यक्ति है, कंप्लेन करते करते जब थक जाता है तो कंप्लेन करना ही छोड़ देता है। यह है समस्या। बस सरकारी कर्मचारी को क्या चाहिए, महीना मिल रहा है, सरकार महीना दे रहा है, काम किसी का हो चाहे नहीं हो, जनता को पानी मिले चाहे नहीं मिले, इससे कोई लेना देना, कोई माने मतलब नहीं है। गांव में आग लग जा रहा है, नल जल बंद पड़ा हुआ है, कार्रवाई अगर होता एक दो चार जगह तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जबकि आवेदन भी दिया जाता है प्रखंड में, ब्लॉक में और पीएचडी विभाग में, फिर भी कोई सुनवाई इस पर नहीं होता है। यह है नीचे से लेकर के ऊपर तक की लापरवाही। अगर नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी ने इस तरह का लेटर नहीं निकाले हुए रहता, जो नियमावली पीएचडी विभाग में चल रहा है वही नियमावली अगर इसमें भी रहता तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होता। यह जो है समस्या नीचे से लेकर ऊपर तक उत्पन्न कराने वाले सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी हैं, जो आज नल जल पूरे बिहार का बंद पड़ा हुआ है। अगर चल रहा है तो सिर्फ पीएचडी विभाग में जो पहले से नल जल है वही चल रहा है, नहीं तो जिसके ज़मीन पर नल जल है और उन जिनके जिम्मे में है वो अपना चला रहा है, लेकिन कब तक चलाएगा? पैसा आप दीजिएगा वार्ड सदस्यों को और नल जल चलाएगा जमीन वाला, ये भी तो गलत बात है ना। WIMC के खाता पर पैसा भेजा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और वह WIMC के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं पैसा को निकासी कर ले रहे हैं, गमन कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रहा है और राशि के घोटाला हो रहा है। इतनी बड़ी करोड़ों करोड़ों रुपए जो घोटाला हो रहा है, प्रत्येक वार्ड में 48,000 रुपये से समझ लीजिए कि कितना करोड़ रुपये के घोटाला हुआ है, इसकी जाँच क्यों नहीं किया जा रहा है? यह जो है आम जनता के साथ बहुत बड़ी धोखाबाजी किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भेजा गया रुपया नल जल के नाम पर खूब रुपया आ रहा है, इस रुपया को जो है घोटाला किया जा रहा है, लेकिन किसी भी आम जनता को पानी नहीं मिल रहा है। वही आम जनता जो है जब आवेदन दे रहा है प्रखंड में ब्लॉक में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जब तक नल जल जमींदाता के पक्ष में अधिकार नहीं मिल पाएगा तब तक यह नल जल पूरे बिहार का चलने वाला नहीं है। ध्वस्त तो हो ही रहा है, जो बचा खोचा है वह भी उम्मीद ऐसा लग रहा है कि ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वार्ड सदस्य एक लापरवाह की तरह जो है नल जल को चला रहा है और मुस्तैदी से नहीं चला रहा है। अगर दिन भर 24 घंटा अगर टंकी में पानी अगर रहता तो गांव में आग लगी पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई ध्यान किसी भी वार्ड सदस्य को नहीं है, एक लापरवाही है। और जहां नल जल चल रहा है वहां जो है चलाने वालों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हां जहां बंद है वहां पैसा जरूर मिल रहा है। इसके पीछे समझ लीजिए कितनी बड़ी किराज है कि बंद नल जल पर पैसा आ रहा है लेकिन चालू नल जल पर कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, और यह झगड़ा लगाकर रख दिया गया है वार्ड सदस्य भूमिदाता अनुरक्षक के बीच में, जिस यह झगड़ा जो है ओनली वन सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी ने लगवाए हैं लेटर निकाल कर, जिसके कारण आज आम जनता जो है त्राहिमाम है, पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इस आप लोग भी आवाज़ उठाइए, आप लोग भी अपनी समस्या को रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जगह पहुँचे और कुछ न कुछ इसका नतीजा निकल करके आए कि सरकार को करना क्या चाहिए नल जल पर। जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक नल जल चालू नहीं हो पाएगा, और वार्ड सदस्य जो है एक जनप्रतिनिधि है और अपने वार्ड के वह राजा है, लेकिन उनको नौकर बना दिया गया है, और नौकर बनाने के बाद जो है काम भी न कर रहा है न किसी को करने दे रहा है। यह है समस्या, इस पर सुधार होना चाहिए। जब तक उच्च अधिकारियों से
बिहार सरकार के द्वारा या पंचायत मंत्री पीएचडी मंत्री के द्वारा जब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तब तक जो है नल जल का स्थिति इसी तरह बना हुआ रहेगा। किसी आम जनता को जो है पानी नहीं मिल पाएगा। सुधार होना जरूरी है और यह नल जल योजना जो है भूमिदाता के पक्ष में ही होना चाहिए, क्योंकि जिनके दरवाजे पर नल जल है उनके घर के व्यक्ति किसी भी समय नल जल को चालू कर सकता है, लेकिन वार्ड सदस्य का घर जो है नल जल योजना से 1 किलोमीटर के दूरी पर अगर घर है तो वह आकर के नल जल को नहीं चला सकता है। एक तो गलत बात यह है कि सरकार ने 2000 रुपया का महीना मात्र दे रहा है और नल जल जो है सुबह 2 घंटा, 12 बजे 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, 6 घंटा नल जल चलाना है तो 6 घंटा कौन ड्यूटी करेगा? वार्ड सदस्य तो ड्यूटी करेगा नहीं, 1 किलोमीटर दूर जाकर नल जल तो चलाएगा नहीं, लेकिन हाँ जिनके दरवाजे पर है वो जरूर जरूर चलाएगा, क्योंकि उनको कोई समय लग नहीं रहा है, ड्यूटी को करना नहीं पड़ रहा है, जब जरूरत होगा 3 टाइम चला देगा। लेकिन वार्ड सदस्यों के हाथ में जब तक यह नल जल योजना रहेगा तब तक जो है किसी को नल से जल नहीं मिलेगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।